और मेरे भाई लोग क्या हाल है। अब भाई मैं पहले ही बता देता हूँ कि जब से ये क्रिसमस का अपडेट आया है ना भाई, और जब से ये ठंड बढ़ी है ना जिस एरिया में मैं रहता हूँ भाई, तब से मेरा गेम प्ले इतना गंदा हो गया ना, मैं क्या बताऊँ। गंदा नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, जिस मैच में मेरा किल हो रहा है उसमें मेरा चिकन नहीं हो पा रहा है, और जिसमें चिकन हो रहा है उसमें ज़्यादा किल नहीं हो पा रहे हैं। ऊपर से मैं ज़ायरो यूज़ करता हूँ, ज़ायरो की वजह से मेरा हाथ काफ़ी शेक भी हो रहा है ठंड की वजह से। हालाँकि अब काफ़ी हद तक मैंने एडजस्ट कर लिया है और मेरा काफ़ी हद तक हैंड कंट्रोल होने लगा है। अब मैं इस गेम प्ले के बारे में बात करूं तो यार, मैं ये डुओ वर्सेस स्क्वाड गेम प्ले है और मैं उतरा था जॉर्जिया पुल, और जॉर्जिया पुल में अच्छे बंदे आए थे। मुझे कोई बहुत ज़्यादा किल करने को नहीं मिला, मेरे टीममेट ने भी अच्छा खासा किल कर लिया, तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा यहाँ किल करने को नहीं मिला। तो फिर देखो पहले बंदे को कैसे मारते हैं हम लोग। अब भाई मेरे पास AKM आ गई थी, तो मैंने सोचा चलो सामने वाले कंटेनर को लूटते हैं, दूसरी गन मिल जाएगी तो और बेटर हो जाएगा। अब जैसे ही मैं वहां गया तो मुझे इस लॉबी का पहला बंदा दिख गया। हालांकि मैंने उसे ADS करके बहुत गलत मारा था, वहां उतनी क्लोज रेंज मुझे ADS नहीं करनी चाहिए थी। अगर उसके पास कुछ बेटर गन होती वो मुझे ज़्यादा डैमेज दे पाता और अच्छी फाइट ले पाता मेरे से। अब उसको मारने के बाद मैंने उसे लूटा और मैं राइट वाले कंटेनर की तरफ चला गया, क्योंकि उधर बहुत देर से फाइट हो रही थी। तो अब देखो हम लोगों ने वहां जाकर थर्ड पार्टी कैसे किया। अब भाई यहाँ पे ऐसा सीन था ना कि एक ही स्क्वाड के दो या तीन बंदे एक ही कंटेनर के अंदर बैठे हुए थे। मेरे टीममेट ने उस कंटेनर के अंदर नेट कर दिया, नेट से सारे बंदे नहीं मरे लेकिन आई थिंक एक बंदा मरा और एक या दो डैमेज हो गए। अब उसे लगा मेरे टीममेट को कि डैमेज हो गए होंगे बहुत लोगों के, उसने डायरेक्ट रश कर दिया। अब जैसे ही उसने रश किया वो नॉक हो गया, तो फिर देखो मैंने उसे कैसे मारा। और भाई जैसे ही हम लोगों ने इन्हें फिनिश किया ना, तभी हमारे ऊपर थर्ड पार्टी हो गया। अब देखो उन लोग से भी हम लोग ने कैसे फाइट किया। अब भाई फाइनली उस लास्ट बंदे को मेरे टीममेट ने जॉर्जिया पुल में मार दिया और हम लोग वहाँ से सेफली निकल गए। अब वहाँ से सेफली निकलने के बाद हम लोगों ने बहुत देर तक एक कार ढूंढी, हम लोगों को कोई कार मिली नहीं। फाइनली जब हम लोगों को कार मिली तो हम लोग यहाँ रोजॉक के हिल पे आ गए, और जैसे ही हम लोग यहाँ हिल पे आए तो हम लोग ने बहुत देर बाद एक बंदा देखा, बंदा नहीं कहूँगा एक डुओ देखा। अब यहाँ पे मैंने उसे थोड़ा बहुत डैमेज दे दिया था और वो लोग आगे जाके स्क्वाड हाउस में रुक गए थे। तो मैंने अपने टीममेट को बोला चलो रश करते हैं, इन्हें फिनिश करते हैं। तो फिर देखो आगे क्या हुआ। अब भाई यहाँ पे मैंने उसके एक बंदे को तो बड़ा ही इजली गाड़ी से मार दिया, और दूसरे बंदा उसका इतना पैनिक हो गया कि एक जगह पर जाके उसने होल्ड कर दिया। हालांकि मैंने उस पर मॉली भी की, लेकिन उसके बाद भी उसने कोई रिएक्शन नहीं किया मेरे ऊपर और बड़ा ही इजली मर गया। अब भाई उनको मारने के बाद लॉबी में सिर्फ चार बंदे बचे थे, और ये बंदे इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे ना कि भाई ये दो दो का टीम बना के घूम रहे थे। अब भाई ये सीन देखने के बाद ना मेरा और मेरा टीममेट के अंदर बस यही फीलिंग आ रही थी। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। मतलब कि इन्होंने हमारी योग्यता का कोई वैल्यू ही नहीं रखा। अब फिर देखो हम लोग ने इनसे फिर कैसे बदला लिया।
और भाई ये आखिरी स्क्वाड थी। तो गाइस इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, और फिर मिलते हैं नए गेम प्ले के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल टेक केयर, बाय बाय। What you want, bitch, I'm a fucking phenomenon.